नमस्कार, गजब का स्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीति शर्मा। आज हम बाजार में मिलने वाली भेल पूरी बनाएंगे, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट हम आज घर में इसके तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने दो कटोरी मुरमुरे लिए हैं, इसको हम गरम कढ़ाई में डालेंगे और इसको हम रोस्ट करेंगे केवल एक या दो मिनट के लिए। लाई हमारी क्रिस्पी हो गई है, इसको हम बोल में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम आधा कप मूंगफली डालेंगे और ये मैंने पौन कप चना जोर गरम लिए, ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, इनको भी हम रोस्ट करेंगे। ये भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, इनको भी हम लाई के साथ निकाल लेंगे। अब इसमें हम एक छोटे साइज का आलू डालेंगे, ये उबला आलू मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एक हम इसमें टमाटर डालेंगे, ये मैंने थोड़ा सा दो चम्मच हरा धनिया लिया है। एक मैंने बारीक कटी हरी मिर्च ली है, ये मैंने हरी चटनी ली है धनिए की, इसको भी हम इस लाई में मिला देंगे। ये मैंने इमली की मीठी वाली सौंठ ली है, उसे भी हम एक चम्मच इसमें मिला देंगे। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी चौथाई छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच इसमें हम चाट मसाला डालेंगे और ये मेरे पास नमकीन सेव है। आपके पास जो भी नमकीन है वो आप इसमें नमकीन मिला दें और इन सबको हम मिला लेंगे। लास्ट में हम पीली मिर्च डालेंगे, जो मार्केट में हम ठेले वाले से या मार्केट में हम बाहर खाने जाते हैं वो पीली मिर्च जरूर डालते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, ये थोड़ी तीखी होती है, स्किप करना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। ये भेलपूरी हमारी तैयार है, अब इसे हम सर्विंग बोल में रखेंगे। हमारी भेल पूरी कितनी सुंदर लग रही है खाने में, ये उससे भी ज्यादा टेस्टी है। अब इसके ऊपर हम जीरो नंबर वाले जो बारीक वाले सेब आते हैं वो डाल देंगे। हमारी बिल्कुल बाजार वाली भेल पूरी बनकर बिल्कुल तैयार है, जब मन आए आप तब इसका एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने अनुभव हमसे शेयर जरूर करें।